सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके सो भाई, टाइम हो रहा है अभी 4 बजे, हम निकले हैं राइड करने। ठीक है, शाम का देखते हैं यार, कल का तो मतलब बहुत बेकार हुआ था, तो शाम का देखते हैं आज कैसा होता है काम। 4 बज गए, ओला उबर सब तीनों ऐप ऑन कर लिए हमने, बाकी देखते हैं। अभी राइड नहीं आई है किसी में, और पेट्रोल भी नहीं है यार इसमें, अभी गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, तो कोई राइड आ जाती है ना उसे लेके जाएंगे, तो उसी में मतलब पेट्रोल डलवा लेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। पहले पेट्रोल पम्प जाओ, उसके बाद फिर राइड का वेट करो, तो राइड आ जाएगी तभी पेट्रोल डलवा लेंगे, इतना तो मतलब है, चल जाएगा। स्कूटी में प्रॉब्लम भी यही है ना यार, एक तो साला इसमें पेट्रोल ही 4 लीटर आता है, अब डेली का उसको फिल कराना होता है। बाइक हो ना उसमें एक बारी में फिल कराओ, और हफ्ता 10 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो देखते हैं, अभी राइड का वेट कर रहे हैं, जैसे राइड आती है फिर मिलते हैं। ओके तो भाई राइड आ गई है, 5 मिनट में ही राइड आ गई भाई। इनको मतलब छोटी सी राइड है, कोई बात नहीं, करते हैं इसको कंप्लीट। 350 मीटर का पिकअप लोकेशन है, तो चलिए पिक करते हैं भाई को और मिलते हैं लोकेशन पे। तो भाई लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं, कॉल करते हैं भाई को। हाँ भैया, लोकेशन तो अपना नंबर जियो 5G में। रुक जा, पहले मैं जाऊंगा। अबे साले, तभी A279। ये तो रिटर्न दिखा रहा है भैया, तो लगा रखा आपने। हाँ, ये रिटर्न दिखा रहा है, सीधे निकल जाएंगे रिटर्न। हाँ, इधर से निकल जाओगे सीधे। तो भाई 2 किलोमीटर का ड्रॉप है। तो भाई राइड तो कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट ये राइड कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी फ्रेंडली था यार भाई, मतलब बढ़िया भाई, मज़ा आया। छोटी सी राइड थी, कोई बात नहीं, मज़ा आया, काफ़ी अच्छा भाई था। GoPro के बारे में पूछ रहा था भाई, कितने का लिया, क्या है, कैसे, तो बता दिया भाई को। तो राइड कंप्लीट हो गई है भाई, वैसे 2 किलोमीटर था ये, 30 रुपये भाई ने दिए हैं, 28 फेयर बन रहा था इनका। तो ठीक है भाई, कोई अच्छी सी राइड आ जाए यार, आज बाहर निकलना है हमको यहाँ से, पहले लोकल में घूम रहे हैं अभी तक। तो मिलते हैं भाई दूसरी राइड पर, पहली राइड तो हो गई कम्प्लीट। दूसरी राइड भी आ चुकी है अपने पास, 1.5 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन है, एंड तुकमीरपुर जाना था शायद। हाँ मैम को तुकमीरपुर करके कुछ था, वहाँ जाना है। बाकी यार पेट्रोल नहीं है भाई, और किसी लड़की की राइड है, बेइज्जती ना हो जाए भाई, बस पेट्रोल डलवा लेना चाहिए था हमें। बाकी देखते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। माउंटेन ड्यू डर की माँ की। तो भाई लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं, तो भाई ये क्या है यार, तो फूड का कुछ है। 574। तो भाई ये एक पार्सल था, पार्सल डिलीवर करना है, पिज़्ज़ा है इसमें भाई। भूख भी लग रही है मुझे। मीट ये बॉय खा जाऊं क्या? हाँ भाई मजे आ जाएंगे यार। अब देखो इन्होंने पिज्जा दे दिया, कुछ और दे देते तो चलो समझ में आता, नहीं खाते अब क्या करें, दिल कर रहा खा जाऊं। अच्छा एक स्लाइस निकाल के खा लेता हूँ, कुछ पता भी नहीं लगेगा इनको। अरे यार पहली बार कर रहा हूँ भाई, मुझे पता नहीं है फूड डिलीवरी क्या है क्या नहीं, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया यार उस पर, जब ये ऑर्डर बज रहा था मैंने ध्यान भी दिया, मुझे नॉर्मली राइड ही होगी कि मेरा फूड डिलीवरी का अच्छा नहीं लगता यार मुझे। चलो कोई नहीं, देखते हैं। सो भाई पार्सल डिलीवर हो चुका है, इसमें भी 30 रुपीज़ अपने को मिला है इसमें, बाकी ठीक है, पार्सल का गलती से मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, अब एक्सेप्ट कर लिया तो डिलीवर भी करना पड़ गया, कोई बात नहीं। और हाँ भाई मैं बता दूँ कि मैंने एक भी स्लाइस नहीं खाया उसमें से, दिल तो बहुत कर रहा था बट मैंने खाया नहीं, आई स्वेयर मैंने टच नहीं किया सीरियसली। तो
चलिए कोई बात नहीं, पेट्रोल भी यार कह रहा है पेट्रोल डलवा लो, गाड़ी कह रही है पेट्रोल डलवा ले, भाई रुक जाएगी नहीं तो ये तो देखते हैं भाई। दूसरी राइड कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी का वेट करते हैं। ये छोटी छोटी राइड बच रही है यार, इसमें क्या करें, कोई अच्छे से राइड बजे, बाहर तो निकले हम यहाँ से भाई, ये लोकल में घूम रहे हैं कब से, बाहर निकले यहाँ से जल्दी से। चलो मिलते हैं भाई तीसरी राइड पे। तो भाई पेट्रोल डलवा लिया है और पेट्रोल डलवाते ही राइड भी आ गई अपने पास। 350 मीटर से पिक करना भाई को। तो भाई लास्ट राइड तो अपनी कैंसिल हो गई, कैंसिल कर दी यार मैंने, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया था मुझे वेट करते करते, बट कस्टमर ने ना तो फ़ोन उठाया और ना ही कस्टमर आया, तो भाई ऐसे तो टाइम ख़राब करना हो गया ना। कोई बात नहीं, वेट करते हैं दूसरी राइड का। राइड आ गई है अपने पास, 700 मीटर से पिकअप है, मयूर विहार फेज 3 जाना है भाई को, तो चलिए पिकअप करते हैं भाई को। भाई पहुंच तो गए हैं लोकेशन पे, भाई पिक कर लिया है भाई को, 15 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन है, चलिए चलते हैं। तो भाई लोकेशन पे तो पहुंच गए कंप्लीट, 119 कैश UPI। एक 115 किलोमीटर का, ठीक है भैया। तो भाई 15 किलोमीटर के 120 रुपये मिले हैं, चलो ठीक है। वेट करते हैं दूसरी राइड का। अरे दूसरी राइड पे आ गई, उठाओ उठाओ उठाओ, भाई 1.5 किलोमीटर से। वाह भाई दूसरी राइड भी तुरंत ही आई है, जलवा है हमारा। बिल्कुल तो भाई भैया का तो पिक कर लिया, 17 किलोमीटर का है ड्रॉप लोकेशन, हाउस खास जाना है भैया को, तो चलिए चलते हैं, आधा घंटा लगेगा। लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं लगभग, ये आपका टोटल है 126 126 दिखा रहा है, 100 हेलमेट दे दीजिए। तो चलो भाई 130 रुपये मिले हैं इससे, ठीक है यार 17 किलोमीटर के। तो भाई अभी जस्ट ड्रॉप किया था अंकल को, इतने में दूसरी राइड बच गई है, छोटी सी राइड है, पिकअप भी छोटा सा ही था, मैंने चलो ले लो यार कोई बात नहीं, चलते हैं भाई को पिकअप करने, 350 मीटर है। तो भाई पिक कर लिया है भैया को, 2 किलोमीटर का ड्रॉप है, चलो चलते हैं कोई बात नहीं। भाई तो
सिर्फ इतनी देर बचता है रिक्वेस्ट? हाँ, ये तो 5 सेकंड भी नहीं था इतने में ही एक्सेप्ट करना होता है। अच्छा पेड है? हाँ पेड। ओके थैंक यू। भाई कंप्लीट हो गई राइड, क्या मिला इस पे? 23 रुपये 2 किलोमीटर के। चलो ठीक है। तो भाई बहुत बज रहा है आज रैपिडो, रैपिडो ही राइड दे रहा है बार बार। एक और राइड आ गई है, 1 किलोमीटर से पिकअप है, तो भाई चलते हैं पिकअप करने। OTP मैम? हाँ? OTP 7512 होगा वैसे। बटन 7812 सीधे निकल जाएंगे? सीधे नहीं। तो भाई 5 किलोमीटर का ड्रॉप है, चलो चलते हैं। पहुंच गए ड्रॉप लोकेशन पे। कंप्लीट 59। हेलमेट दे दीजिए। ओके तो भाई मैम को तो ड्रॉप कर दिया है। 59 यानी कि 60 रुपये मिले हैं, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 60 रुपये मिले हैं। चलो ठीक है भाई। तो भाई वो ड्रॉप करते ही एक और राइड मिल गई, देखते हैं ड्रॉप करते हैं भाई को। 180 रुपये की राइड है शायद। ठीक है थैंक यू। तो भाई राइड कंप्लीट हो गई, इसके बने हैं 149 यानी कि 150 रुपया। 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा भैया ने 150 रुपया दिया तो पता नहीं जो भी है। बाकी यार आ गए हैं गुड़गांव, यहाँ से निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा हमें मिले 142। चलो बढ़िया। तो भाई राइड आ गया अपने पास, 5.5 किलोमीटर का ड्रॉप, तो चलते हैं मैम को ड्रॉप करते हैं। 80। आप UPI करेंगे या कैश करेंगे? UPI ठीक है। ये लीजिए। थोड़ा सा दूर रखिए फोन। अब हो गया। ओके थैंक यू एंड सॉरी। तो भाई मैम को तो ड्रॉप कर दिया है और अगली राइड भी आ चुकी है अपने पास। भैया को वसंत कुंज जाना है और ये 650 मीटर का पिकअप है, तो चलो पिक करते हैं भैया को, चलते हैं वसंत कुंज। तो भाई भाई को पिक कर लिया है, 12 किलोमीटर का ड्रॉप है। 91 भैया लेके आ रहे हैं। तो भाई कम से कम आधा घंटा वेट करने के बाद एक राइड आई है। राइड तो एक्चुअली बहुत सारी आई पर मैंने कोई सी भी राइड ली नहीं, क्योंकि मैं घर से काफ़ी दूर हूँ और मुझे घर के आसपास की राइड चाहिए थी और ये सारी राइड बच रही थी लोकल की, तो मैंने इसलिए कोई सी भी राइड नहीं ली। अब एक राइड आई है जो मेरे घर से अभी यहाँ का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर का, तो वो राइड लेने के बाद उसको कम्प्लीट करूँगा। वो कंप्लीट होने के बाद डिस्टेंस बचेगा 9 किलोमीटर का, तो वहाँ से मैं घर चले जाऊँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट घर जाता हूँ तो मेरा काफ़ी मतलब पेट्रोल लग जाएगा, कुछ प्रॉफिट होने का नहीं है। 22 किलोमीटर का यार काफ़ी पेट्रोल लग जाएगा ना, तो वो बेकार है वो।
तो इसलिए मैं रुका हुआ था घर के पास की राइड के लिए कि कोई राइड आएगी उसे ही लेंगे। तो अब राइड आ गए फाइनली, पिकअप करते हैं भाई को, 1.5 किलोमीटर से पिकअप है, पिकअप करते हैं फिर ड्रॉप करते हैं भाई को। तो भाई 24 किलोमीटर का ड्रॉप है, चालीस मिनट लगने वाले हैं, चलो चलते हैं। पहुंच गए कंप्लीट भाई, 212 रुपये मिले हैं इस पे। तो भाई राइड आ गई अपने पास, 10 मिनट वेट किया है, राइड आ गया। भाइयों को जाना कश्मीरी गेट और 700 मीटर से पिकअप है, तो चलो चलते हैं। हाँ पार्सल है क्या? नहीं नहीं मुझे तो जाना है। आपको जाना है ना, ठीक है पार्सल लेकर आयो ना आप। स्टार्ट 6164 ये लीजिए, ये पहनना जरूरी है, सेफ्टी भी रहती है ना, पहन लीजिए। तो भाई 3.5 किलोमीटर का ड्रॉप है, चलते हैं। कंप्लीट राइड 54 UPI कैश हाँ लाइए पकड़ना, इसमें ब्लूटूथ गिरा है, उसमें गिरा है, चलिए ठीक। तो भाई राइड कंप्लीट हो गई थी वो 55 दिए भैया ने, 55 रुपीज़ दिए। तो उसमें डिस्टेंस कितना था भैया का? 3.5 किलोमीटर का, 3.5 किलोमीटर के 55 रुपीज़, यार काफ़ी सही है भाई। नाइट का फेयर अच्छा है इसमें यार, रैपिडो में नाइट का बहुत बढ़िया फेयर है, जो बात है हकीकत। बाकी दिन में तो यार ये बहुत बेकार रेट देता है, दिन में ऊबर ठीक है भाई, ऊबर सही दे देता है, ये रैपिडो ओला ये तो बहुत बेकार देते हैं। बाकी चलो कोई नहीं, घर निकल जाते हैं भाई, अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब घर को निकल जाते हैं, 12:10 हो गए यार। टाइम हो गया है 12:25, ठीक है अब एक काम करते हैं, यहाँ से घर निकल जाते हैं। मैं अर्निंग दिखा देता हूँ, तो क्या अर्निंग है 611, ओला की है 30 और ऊबर से हमने कमाए थे 877 का टोटल काम हुआ है, और तेल लग गया हुआ का हमारा 250 का, 627 रुपये का काम हुआ आज, यानी कि 5 बजे से लेके 7 घंटों में। चलिए ठीक है यार, 7 घंटों में 627 का सही है, मिलते हैं कल, ओके बाय।